हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को मतदान के कर्तव्य के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 में मनाया गया था। इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग विभिन्न भाषण, चित्रकला, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं, विश्वविद्यालयों व कार्यालयों में जागरूकता अभियान तथा नए मतदाताओं को वोटर आईडी वितरण, मतदाताओं की फोटोग्राफी आदि कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2021 राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है सभी मतदाता सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक बने। 18 वर्ष की आयु के हर भारतीय नागरिक को भारत में सभी प्रकार के लोकतांत्रिक चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में चुनाव और मतदान मूल आधार होता है। यहाँ हर मतदाता और उसका मतदान सरकार और देश का भावी भविष्य निर्धारित करता है। 25 जनवरी 1950 भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संगठन है जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का संचालन करता है। चुनाव आयोग सभी वयस्कों और मतदाताओं की पहचान करता है और उन्हें पहचान पत्र प्रदान करता है, जिसे मतदाता पहचान पत्र भी कहा जाता है, ताकि वे अपने मतों की शक्ति से सही व योग्य व्यक्ति का चुनाव कर देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग डिजिटल वोटर पहचान पत्र ला रहे हैं। इससे मतदाता इसका आसानी से उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल आईडी कार्ड को मोबाइल, वेबसाइट, ईमेल के जरिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। देश की प्रगति और उन्नति के लिए हम सभी को अपने अधिकारों के सदुपयोग करने के साथ साथ देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। आपका मतदान देश में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। देश के उज्जवल कल के लिए मतदान अवश्य करें। मतदाता देश का निर्माता। धन्यवाद। जय हिंद।